हौसला देता है कि यस गिरे रहना कामयाबी नहीं है, लेकिन कितने भी बार गिरे मकसद नहीं है, लेकिन हर बार उठे रहना और चलते रहना ही कामयाबी है, क्योंकि आप 100% चल सकते हैं। आज आप उस संस्था के बीच में हैं, आज आप उस कंपनी के पैनल के नीचे हैं, लोग कहेंगे ये भाग जाती हैं, ये बर्बाद हो जाते हैं, इसमें लोग कामयाब नहीं होते, ये कहना आसान बात है, लेकिन उस संस्था के साथ खड़े होकर उसमें काम करके पैसे कमा के दिखाना थोड़ा मुश्किल काम है। और 100% जो व्यक्ति मुश्किल काम करता है वही इस बिजनेस में अपना नाम हासिल करता है, करोड़पति बन गया। और जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो कमी निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा इलाज है नहीं, वो दूसरी जानकारी रखता नहीं, क्योंकि हम देख के सिर्फ कमी बता सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के नजदीक आके उस व्यक्ति को पढ़ के हम उसकी खूबी बता सकते हैं कि यस अगर ये बिजनेस उन सबको कामयाब कर सकता है और इसके साथ हम शिद्दत से काम करें तो एक दिन ये हमें भी कामयाब पक्का कर सकता है। लोग गुमराह करेंगे, आपको रोकेंगे, आपको बताएंगे कि हो नहीं सकता। मैं आपके आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और आपका पड़ोसी कहते हैं एक बच्चा फेल हो जाता है और एक बच्चा उसी कक्षा में पढ़ के मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, ये चलो तो कारण क्या है? क्या किताबों में कमी है? क्या मास्टर में कमी है? कमी है उसके काम करने में, उसकी पढ़ाई करने में। यस तेरे बच्चे ने बढ़िया पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए वो आज फेल है, लेकिन मुझे विश्वास है अपने ऊपर, मुझे विश्वास है अपने बच्चे के ऊपर, मुझे विश्वास है अपनी पढ़ाई के ऊपर कि यस अगर हम पढ़ाएंगे और हमारा बच्चा मेहनत करेगा तो 100% वो पास ही नहीं वो इस स्कूल में, ये चलो तो इस बिजनेस में आप दुनिया के भरोसे चलते हैं। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए किसी के विश्वास की किसी के भरोसे चलने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। गेट के ऊपर क्या है? अपने घर का काम छोड़ के आप यहाँ बैठे हैं, अपने परिवार से आपने कैसे परमिशन लिया आने की आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यस कहूँ इस वक्त को बर्बाद करने के लिए यहाँ नहीं है, हम यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे कुछ जीतने के लिए आए हैं, क्योंकि आने वाले 5 साल में आपको करोड़पति बनना है। फोन चलाना, बातें करना, सब बेकार की चर्चाएं हैं, ये हमारे काम की हमारी चीजें हमारे फायदे के लिए हैं, लेकिन अगर ये फायदे में रहा आज इस बिजनेस के बीच में आपको कोई शक करने की जरूरत नहीं है, आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। लोग आपको डराने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन क्या डरना है?